धन्यवाद राजू जी। मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि महामहिम राज्यपाल जी और समस्त आदरणीयगण और अग्रिम पंक्ति में बैठे वरिष्ठजन और यहाँ पर आए मेरे सभी चयनित प्रतिभागी, उनके माता पिता, अभिभावकों को सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के एक गांव तीन डीएम के जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूँ। अपनी परिचय देते हुए, प्रारंभिक शिक्षा मैंने गांव के स्तर पर की, उसके बाद में नजदीकी तहसील से आर्मी करने के बाद स्नातक में अपनी तहसील से मैंने कला वर्ग में किया। उसके बाद में कर्मचारी चयन आयोग में चयनित हुआ। उसके बाद में हिंदी माध्यम से यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की और प्रथम प्रयास में 337 रैंक हासिल की। उसके बाद में दूसरे प्रयास में 317 रैंक हासिल की और तीसरे प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया और चौथे प्रयास में अंत मेहनत और बाकी सभी जो मेरे सपोर्ट सिस्टम थे उनकी मदद से हिंदी माध्यम में इस बार सर्वोच्च रैंक 18वीं रैंक मैंने हासिल की है। अपनी जर्नी के दौरान जो भारतीय भाषाओं को लेकर आने वाली समस्याएं हैं, न केवल हिंदी बल्कि सभी भारतीय भाषाएं जो समान रूप से सम्माननीय है, जैसे उसमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी किया, जैसे अनुवाद की समस्या, उचित सामग्री का न होना, भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना का न होना, अभिजात्यता का हावी होना, ये सभी मुश्किलें एक हर भारतीय भाषा का प्रतिभागी समझ सकता है। और मैं यही चाहता हूँ कि वो अपनी भाषा में उत्कृष्टता हासिल करे, क्योंकि कोई भी भाषा दूसरी भाषा से कम नहीं है और किसी भी प्रकार की हीनता की भावना कभी भी अपने मन में न रखे, क्योंकि सभी भाषाएं अपनी अपनी जगह पर सर्वोच्च हैं। अंततः संकल्प परिवार के स्तर पर मैं अपने प्रथम प्रयास में साक्षात्कार के स्तर से ही सर संतोष तरीजा जी के साथ जुड़ा रहा हूँ। उन्होंने साक्षात्कार के स्तर पर जो मेरी व्यक्तिगत कठिनाइयां थी या कुछ मन में शंकाएं थी उनको अपने घर पर बुलाकर कई बार व्यक्तिगत रूप से उनको हल किया और मेरे मन में जो दुविधाएं थी उनको मिटाने का प्रयास किया। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। थैंक यू संकल्प परिवार। और मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो बंधुता और बंधुत्व है वो यहाँ इस परिवार में मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी मैं इंतजार करता हूँ तो ये इसी संबोधित करते हैं कि हेलो बंधु कैसे हो। और अंत में समस्त समाज और समस्त प्रतिभागियों को यही कहना चाहूंगा कि तुलसीदास जी ने कहा था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर प्रीरासम नहीं अत भाई, कि काम इस प्रकार से करना है कि नियामक और नियंत्रक समझने के बजाय सुविधा प्रदाता बने। अंत्योदय से सर्वोदय की भावना, जो अंत की पंक्ति में खड़ा है हम उसके लिए काम करें और अपने कार्यों में उत्कृष्टता लाते हुए समाज को और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अंत में दुष्यंत कुमार जी के कुछ पंक्तियों से विराम दूंगा वाणी को। ये हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गद्दा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ही सही, मेरे दिल में ही सही, वो कहीं भी आग पर भाग जलनी चाहिए। धन्यवाद।